बिहार में बच्चा चच्चा की सियासत अभी खूब हो रही है। अभी पूर्व डिप्टी सीएम का सीएम नीतीश कुमार पर हमला हुआ था। इसी बीच नीतीश कुमार के मंत्री और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता आरजेडी चीफ के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद से एक बार फिर राजद को बोलने का मौका मिल गया है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो हलचल तेज है ही, दरअसल ये बयान दिया है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। उन्होंने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब तक लालू प्रसाद की पार्टी राजद और उनका कुनवा राजनीति में सक्रिय रहेगा, तब तक बिहार की राजनीति की मर्यादा को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होगा। मंगल पांडे ने यह बयान आज पीएमसीएच के निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिया। मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के द्वारा बार बार मर्यादाओं को तोड़ा जाता रहा है। किसी को अपमानित करना और मर्यादा के विपरीत भाषा का प्रयोग करना लालू प्रसाद और उनकी पार्टी राजद की संस्कृति में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया बयानबाजी से पूरा माहौल खराब होता है। भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अभी मीडिया में सबसे लेटेस्ट बयान चल रहा है तेजस्वी यादव का। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि मैं लालू प्रसाद का बेटा हूँ, यही वजह है कि मुझ में उनका स्वभाव है। आपके बेटे में क्या आपका स्वभाव है? अभी तेजस्वी के इस बयान पर सियासत थमी नहीं है कि अब मंगल पांडे के इस बयान ने बखेरा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि राजद का इस पर क्या पलटवार आता है। बिहार से जुड़े हर बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।